नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना नागर। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। विकासखंड करतला जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कलगामार में क्षेत्र चंद्रवंशीय राठिया कंवर समाज की शनिवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत भी पहुंची और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में राठिया कंवर समाज एक बड़ी समाज है। यहाँ बाहुल्यता राठिया समाज निवास करते हैं, जिन्होंने मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है। मैं आप सबकी आभारी हूँ। मैं राठिया कंवर समाज संभागीय स्तर कोदमुरा, घिराना और सोनपुरी में एक एक सामुदायिक भवन की घोषणा करती हूँ। कार्यक्रम में दौलत राम राठिया, गणेश राम, माखनलाल, यशोदा राठिया, रेणुका राठिया, कलम सिंह, मान सिंह, मोहित राम, चनीश राम, दुबराज राठिया, महत्तर राठिया, नसर खान, बाल मुकुंद, भजन सिंह, पर्वत सिंह, सीताराम राठिया सहित आसपास के राठिया समाज कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुझे राठिया समाज ने सम्मान से बुलाया था यहाँ पर, उनकी सामाजिक बैठक थी, उनकी कुछ समस्याएं थी, उसकी बातें में उन्होंने जो चर्चा की और जो गांव की जरूरतें थी, जैसे धन, यहाँ पे धान बिक्री केंद्र, हाँ धान खरीदी केंद्र, तो उसके लिए इनको दूर दूर जाना पड़ता था, तो चाहते हैं कि यहाँ पर हो, तो कुछ मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं उनकी, सामाजिक सामुदायिक भवन की भी थी, वो मैंने मानी है और मैं ऊपर ये कहूँगी, क्योंकि धान खरीदी केंद्र तो सरकार करती है, बाकी चीज़ें का मैं देखूँगी जो भी है इनकी मांगे। और समाज के लोग जब इकट्ठे होते हैं, सामाजिक बुराई की बातें जो उनको ठीक करनी है उसकी बातें होती हैं, उनके दुख सुख की बातें होती हैं, उसी विषय में उन्होंने मुझे बुलाया था। बैठक करने का कारण है समाज के आदिवासी बहुल्य है जी, और यहाँ प्राय प्राय बहुत कम किसी का दौरा होता है जी। तो कम से कम राठिया समाज में कोई तो प्रतिनिधि आए और हमारे जो कमी है और क्षेत्र की कुछ और समस्याएं हैं उसको जानकारी देने के लिए आज यहाँ बैठक किया गया था। अच्छा, यहाँ कोरबा से सांसद भी आए थे, आपका क्या कहना है इस संबंध में? सांसद महोदय को आमंत्रित किए थे क्योंकि उनसे बहुत कुछ मांग करना था जी। और दो तीन ठो मांग को तो अभी आश्वासन दे के गए हैं, और हम चाहते हैं कि हर समय हमारे साथ वो जुड़े रहें, हर समय आते रहें, ताकि हम समस्या को वहाँ रख सकें। हमारे क्षेत्रवासी दिल्ली या रायपुर जा नहीं सकते, तो कम से कम वो हमारे प्रतिनिधि हैं, तो हर समय आते रहें, हमारे समस्याओं को सुनते रहें। जैसे सांसद ने क्या सौगात दिया है उसके बारे में जानकारी देंगे? एक तो यहाँ धान खरीदी केंद्र का आश्वासन दिए हैं जी, और राठिया समाज में तीन क्षेत्र में सामुदायिक भवन का आश्वासन दिए हैं और उसको पूरा करेंगे, करके पूरा स्वस्थ किए हैं। अशोक कुमार श्रीवास की रिपोर्ट।